हम कई सब्जियां इस तरह से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें बनाने में और खाने में बहुत ही सादी लगती हैं। बिल्कुल साहिल, जैसे देखिए हमारी लौकी है, हमें लगता है इतनी सिंपल सी सब्जी है, इसमें क्या होगा, लेकिन लौकी जो है डाइट्री फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, हमें काफ़ी रफेश देता है। इसके साथ साथ जो लौकी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी तासीर होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, हम इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम ही भूल जाते हैं। जी, ये हम पैन पहले रख रहे हैं ताकि साइड में हम अपनी ग्रेवी तैयार कर सकें। थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल, 15 से 20 ml। जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम शुरू करते हैं लौकी से। इसको हमने पहले छील लिया है लौकी को जी। और अब इसको हम काटते हैं बीच से, फिर दो हिस्से कर लेते हैं। ओके। अब हमें इस लौकी को खोखला करना है। ऑलराइट। उसके लिए इसको अंदर डालिए इधर को और इस तरह से इसको खाली कर लीजिए। तो ये जो लौकी के अंदर जितना पल्प है हम इसको सारा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये खाली हो चुका है खोखला। बिल्कुल, आप देख रहे हैं पैन गर्म हो चुका है साथ ही में। तो इसमें हम डालते हैं प्याज, पहले करीब 2 मीडियम साइज प्याज यानी कि 100-150 ग्राम जी। इसमें हम अब डालेंगे थोड़े मसाले, हमने डाल दिया है लौंग और गोल मिर्च, काली मिर्च, एक सिनेमन, दालचीनी यानी कि मिलाएं इसको। और अब हम डालेंगे जिंजर पेस्ट। ओके। ये हमने करीबन 10 ग्राम डाली है जी, लगभग एक छोटा चम्मच। बिल्कुल, इसको हिलाएं और इसको धीमी आंच पे आप पकने दें जी। तब तक हम बनाते हैं स्टफिंग लौकी के लिए। बिल्कुल। अब हम कर रहे हैं ये मैश पोटैटोज़ हमने डाला है। मैश पोटैटो का मतलब हमने आलू बॉईल करके रखे हैं और उनको ठंडे होने के बाद हमने उसको कूट लिया है या पीस लिया है, मैश कर लिया है एक तरह से। और है हमारे पास लो फैट पनीर। ओके। ये हमने करीब 200 ग्राम आलू डाला है, उसके अंदर आप डाल दें 100 ग्राम के आसपास पनीर जी। तो आधी मात्रा में, जैसे अगर आपने दो आलू लिए हैं तो आप उससे आधी मात्रा में पनीर ले लीजिए। बिल्कुल, अब देख रहे हैं आप इसमें तेल एकदम कम हो गया है जी। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमें और तेल ना डालना पड़े जी। और ही साथ साथ कुक भी होता रहे जी। हमने इसमें आलू डाला है, पनीर डाला है, अब मसालों से शुरू करते हैं। हम पहले डालते हैं थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा पाउडर 1 से 2 ग्राम, थोड़ा गरम मसाला 1 से 2 ग्राम, थोड़ी सी चीनी मिठास के लिए। चीनी ऑप्शनल है, अगर कोई लोग नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं। राइट। हमारे पास आम चूर पाउडर भी है यहाँ पर, इसको और इंटरेस्टिंग टेस्ट बनाने के लिए। इसका थोड़ी लाल मिर्च पाउडर तीखेपन के लिए। और हमारे पास है मिक्स नट्स, इसमें हमने डाला है किशमिश, काजू और बादाम जी। कैसी लग रही है ये डिश, इंटरेस्टिंग लग रही है? देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और बहुत ही एक डिफरेंट ट्विस्ट है लौकी को। बिल्कुल। और हमारे पास है हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा हम वो भी डाल रहे हैं इसमें। अब इसको हम मिक्स करेंगे जी। और इसमें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर इसलिए की बाइंडिंग यानी कि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये कॉर्नफ्लोर है हमारे पास, ये हम डालेंगे 2 ग्राम के आसपास। ये बहुत ही हल्का होता है तो आपको चम्मच में ज्यादा दिख रहा होगा जी, लेकिन क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम है, ये सब मिल चुका है आपस में। तो अब करते हैं लौकी की स्टफिंग, इसको आइसक्रीम के स्कूप की तरह से भरें और अच्छे से इसको इसमें दबा के ताकि पूरी स्टफिंग इसके अंदर चली जाए। बिल्कुल। लौकी हम सब्जी की तरह तो खा ही सकते हैं, साथ साथ हम लौकी का जूस भी पी सकते हैं। लौकी बनाने से पहले या लौकी का जूस पीने से पहले आप लौकी का एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, अगर लौकी में ज़रा सी भी कड़वाहट है तो आप उसको तुरंत फेंक दीजिए। ओके, तो ये लौकी स्टफ हो चुकी है जी। इधर से प्याज भी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो यानी कि अगर प्याज हो चुके हैं तो अब टाइम है इसमें मसाले डालने का। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, जीरा पाउडर,
थोड़ा गरम मसाला और इसमें थोड़ी लाल मिर्च और ग्रीन चिली पेस्ट जो हमने यहाँ करके रखी हुई है। तो आप देख रहे हैं प्याज आपके भून चुके हैं, एकदम ब्राउन हो चुके हैं बिल्कुल। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा टमाटर प्यूरी जी। हमने टमाटर को 3 टमाटर लिए हैं, धो करके काट के मिक्सी में घुमाया है। टमाटर प्यूरी डालने से जो भी आप डिश बनाते हैं उसका रंग बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख रहे हैं हमारी ये ग्रेवी ऑलमोस्ट पकने वाली है जी। ठीक, तो अब हम तैयारी करते हैं लौकी की जो हम स्टफ कर चुके हैं। राइट, दूसरा पैन, थोड़ा सा ऑयल, आपने ऑयल थोड़ा सा लिया है, इसको आप यूं करके स्प्रेड कर दें। ओके, तो जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर में आ चुका है। अब लौकी को पतला पतला काट लेंगे। ठीक, बिल्कुल, हम इसके ये गोल गोल टुकड़े कर रहे हैं। हाँ जी, और साइड में देख रही हूँ जो आपने स्टफिंग की है वो बाहर भी नहीं निकल रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप स्टफिंग दबा करके नहीं करेंगे जी तो ये स्टफिंग बाहर आएगी, लेकिन अगर ये एकदम फोर्सफुली भरी हुई है तो ये कभी बाहर नहीं आएगी जी। अब इसको पैन में रखें, उठा करके अब इसमें नमक बिल्कुल नहीं है। ओके, तो हम थोड़ा सा नमक इसमें से ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो हम इसका इंतजार करेंगे जब तक एक तरफ से लाल होगी, तब हम इसको पलट देंगे क्योंकि लौकी अपने आप में ही पक जाएगी। आधी तो इसमें पक जाएगी क्योंकि हमने बहुत पतला इसको काटा है जी। एक तरफ से जब ये इसमें रंग आएगा तो अंदर से पकी हुई होगी जी। और जो अंदर स्टफिंग है वो पहले से ही पकी हुई है। बिल्कुल साहिल, आप जिस तरह से ये लौकी बना रहे हैं तो मुझे इसको देखकर एक बात ध्यान में आती है। शाम को सब लोगों को भूख लगती है और सब ढूंढते रहते हैं स्नैक्स, और ज़्यादातर सबके दिमाग में आता है फ्राइड स्नैक्स, समोसा, पैटीज। तो ये जो हमारी हम्बल लौकी है ये तो बिल्कुल जिस तरह से आप बना रहे हो इसको एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। बिल्कुल ट्राई करिए, क्यों नहीं खा सकते इसको। तो देख रहे हैं एक तरफ से रंग आ चुका है जी, स्टफिंग बाहर नहीं आई है। राइट, और अगर आपको फिर भी लगे कि ये थोड़ा बहुत कच्चा है, इसमें कच्चापन है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी में डालिए, एक लिड लीजिए, तब ये भाप में पकेगा इस तरह से। और तब तक हम आगे बढ़ते हैं ग्रेवी की ओर। हमें खट्टेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी सी इसमें चीनी चाहिए, थोड़ी सी चीनी जी। और वैसे भी अगर आप गुजराती डिशेज की बात करें जी, तो गुजराती डिशेज जितनी भी होती हैं वो हल्की सी मीठी ज़रूर होती है, तो ये मीठापन चीनी से ही आता है उसमें। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो मिठास जो है गुजराती लोगों की पर्सनैलिटी में भी होती है, क्योंकि स्वभाव में भी वो उतने ही मीठे होते हैं। तो दीपिका, तैयार हो चुकी है हमारी ग्रेवी और यहाँ पर तैयार है लौकी। तो परोसने के लिए तैयार इसको। तो पहले हम रखेंगे इसमें लौकी, आप देख रहे हैं पूरी तरह से गल चुकी है। बिल्कुल साहिल, ये लौकी के जो राउंड्स हैं इनको देखकर मुझे लग रहा है इनको हम ब्रेड के बीच में भी स्टफ करके एक हमारा जो देसी बर्गर है वो भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये लौकी तैयार है। अब हम डालेंगे इस पर ग्रेवी जो हम बना चुके हैं। और इसकी गार्निश धनिया पत्ता। तो लीजिए, तैयार है भरवा लौकी। एक कटोरी में आलू, पनीर, सूखे मसाले, ड्राई फ्रूट, हरी मिर्च का पेस्ट और कॉर्नफ्लावर डालें और उसको अच्छे से मिला लें। लौकी को लीजिए, लौकी को अंदर से खोखला कर लें और लौकी को स्टफिंग से अच्छे से भर लें। अब इसके पतले गोल गोल स्लाइस काटें और एक तवे पर रोस्ट करें। थोड़ा पानी डाल के आप स्टीम करें जब तक लौकी पक ना जाए। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, उसमें प्याज डालें, लौंग, दालचीनी और अदरक का पेस्ट डालकर उसको थोड़ा सा हिलाएं। जब वो थोड़ा ब्राउन हो जाए तब उसमें नमक और बाकी मसाले डालें और टमाटर की प्यूरी भी डालें। उसको थोड़ी देर और पकाएं। जब वो पक जाए उसमें एक चुटकी चीनी डालें और उसको पूरी तरह पकने दें। ग्रेवी को लौकी के ऊपर डालें और उसको धनिए से सजाएं, गरम गरम परोसें।